क्या ओबीसी रहते तो क्या मंदिर बनाते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जाना तय है। शान में दूसरे दर्जे के शहरी नहीं बराबरी के शहरी है। रुकिए मत, डरिए मत, आगे बढ़ना है, मजबूती से बढ़ना है और चुनाव को जीतना है। तो आगाज करेंगे अपने इस खास पेशकश का आज की बड़ी खबर के साथ। आप बता दें कि बीएसपी के बागी अरकान असेंबली समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। 7 बागी अरकान असेंबली ने समाजवादी पार्टी की रुकनियत हासिल की है। हाथी से उतरे बीएसपी के बागियों की अब साइकिल पर सवारी होगी। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने सभी अरकान असेंबली को समाजवादी पार्टी की रुकनियत दिलवाई। समाजवादी पार्टी में बीएसपी के 7 बागी अरकान असेंबली शामिल हो गए हैं। एक का बीजेपी के रुकने असेंबली राकेश राठौर भी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। तो बीएसपी के असलम रायनी, असलम अली, मुस्तफा सिद्दीकी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। वहीं हाकिम लाल बिंद, हरगोविंद भार्गव और सुषमा पटेल भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। तो आज का ये बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको उत्तर प्रदेश के हवाले से। बसपा के 6 बागी अरकान असेंबली समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने खुद इन बागी अरकान असेंबली को समाजवादी पार्टी की रुकनियत दिलवाई। बाजाब्ता तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जमकर हमलावर भी हुए बीजेपी हुकूमत पर अखिलेश यादव। बड़ा अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं यूपी के हवाले। इसके अलावा बीजेपी के भी एक रुकन असेंबली समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव जमकर हमलावर हुए। उन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाब में बीजेपी का सफाया हो जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों से किए वादे का क्या हुआ, किसानों की आमदनी दोगुनी करने के वादे का क्या हुआ, किसानों के नुकसान की भरपाई नहीं हुई, अपने वादे पूरे नहीं कर पाई बीजेपी। ये तमाम बातें कही अखिलेश यादव ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अखिलेश ने कहा कि किसानों से किए गए वादों का क्या हुआ, किसानों की आमदनी दोगुनी करने के वादे का क्या हुआ, किसानों के नुकसान की भरपाई नहीं हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमलावर हुए अखिलेश यादव बीजेपी हुकूमत पर और उन्होंने कहा कि आइंदा असेंबली इंतखाब में बीजेपी का सफाया हो जाएगा। साथ ही उन्होंने हुकूमत से कई सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी दोगुनी करने के वादे का क्या हुआ। कहते हैं सियासत में हर बात के मायने होते हैं और ये भी शायद तुक्का नहीं कि जब अमित शाह लखनऊ में थे समाजवादी पार्टी पर गिन गिन कर हमला कर रहे थे और उसी दिन अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में जाट वोट बैंक साधने की कोशिश में थे। कांग्रेस के 2 सीनियर लीडर हरेंद्र मलिक और पंकज मलिक ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। यूपी की इंतखाबी जंग में जहां प्रियंका गांधी कांग्रेस को मजबूत करने की कवायद में जुटी, वहीं कांग्रेस लीडरान का पाला बदलने का सिलसिला भी जारी है। असेंबली इंतखाब से पहले समाजवादी पार्टी में बाहरी जमातों के लीडरान को गले लगाने का एक सिलसिला सा चल पड़ा है। अखिलेश की समाजवादी पार्टी यूपी में दल बदलुओं का नया ठिकाना बनती आ रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस लीडर हरेंद्र मलिक और उनके बेटे पंकज मलिक जुमे को समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपने सीनियर लीडरान को बड़ी विपक्षी पार्टी सपा में शामिल होने से नहीं रोक पा रही है, वो भी ऐसे वक्त पर जब अगले साल ही असेंबली इंतखाब होने वाले। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव की मौजूदगी में दोनों लीडरान ने सपा की रुकनियत ली। इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि इस रियासत का किसान
आज सबसे ज्यादा सरकार से परेशान है। आज सबसे ज्यादा तकलीफ और परेशानी में कोई अगर है तो वो हमारे उत्तर प्रदेश के किसान हैं। आप खुद किसान हैं, आपके साथ जितने लोग आज शामिल हो रहे हैं सब किसान हैं, खेती करते हैं, पसीना बहाते हैं। आज सबसे ज्यादा संकट खेती पर है और मुझे खुशी है इस बात की कि आज किसान भारतीय जनता पार्टी का सफाया चाहता है। अखिलेश की पार्टी जराई के मुताबिक बहुजन समाज पार्टी के 6 बागी अरकीन असेंबली सनीचर को समाजवादी पार्टी की रुकनियत हासिल कर सकते हैं। दल बदलों को अपनी पार्टी में पना देकर अखिलेश यादव बेहद खुश हैं और इंतखाब में जीत का दावा भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जमातों में समाजवादी पार्टी की सेंधमारी 2022 में अखिलेश यादव को कितना फायदा पहुंचाएगी, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस बीच बुलेटिन में रुख करेंगे, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का देहरादून में मौजूद है। और घोषणा पत्र को लेकर कोई भी स्टडी कर दे, हमने 85% से ज्यादा हमारे वादे समाप्त कर दिए, तो 85%। और मैं यहाँ पर चैलेंज देकर जाता हूँ रावत साहब को कि रावत साहब आप कांग्रेस में थे, उसका घोषणा पत्र था, आपकी सरकार में रहते मुख्यमंत्री के नाते सारी घोषणा होती, इसका सूची बना दो, मैं मेरे युवा मोर्चा के अध्यक्ष को भेजता हूँ, यहाँ हो जाए देहरादून के चौराहे पर दो दो हाथ एक बार चर्चा। ये कांग्रेस पार्टी वादा खिलाफी करने वाली पार्टी, कांग्रेस पार्टी राजनीतिक रूप से करने वाली पार्टी है, वो कभी भी किसी लोक कल्याण का काम नहीं कर सकती। अरे यहां तक मित्रों मैं आया था, कुछ लोग मुझे मिलने आ गए, मेरा काफला रुक गया था, तो मैंने पूछा भाई क्या हुआ, तो कि साहब आपको मालूम नहीं है शुक्रवार है। मैं क्यों, शुक्रवार को क्या होता है? मैं तो थोड़ा सोचने लगा कि मुझे मेरा जनरल नॉलेज वीक हो गया, शुक्रवार में क्या होता है? तो उसने कहा शुक्रवार को नेशनल हाईवे बंद कर वहां नमाज पढ़ने की इजाजत दे देते हैं शुक्रवार। शुक्रवार को छुट्टी देने की हिमाकत करने की सोची नहीं इन्होंने। मित्रों ये तुष्टिकरण और एपिसमेंट करने वाले, ये तुष्टिकरण और एपिसमेंट करने वाले कभी भी देवभूमि का काम नहीं। बड़े बड़े आवाज से हमारे पुष्कर धामी को सवाल करते हैं, भैया रावत साहब आप जरा आपका स्ट्रिंग ऑपरेशन एक बार देखकर आ जाइए तो आपको मालूम पड़ेगा आपको बोलना चाहिए। मित्रों कांग्रेस पार्टी कभी भी उत्तराखंड का भला नहीं कर सकती। उत्तराखंड के अंदर विकास की बयार तभी आई जब संपूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता और मोदी जी ने पहले त्रिवेंद्र सिंह थे, तीरथ सिंह थे और पुष्कर सिंह आए, मोदी जी ने हमारे तीनों मुख्यमंत्रियों को साथ लेकर एक विकास का नया संपूर्ण बनाया है। इसके कारण आज मुख्यमंत्री उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। मित्रों इतना बड़ा कोरोना का आपदा आई, पहाड़ पर है हमारा प्रदेश, दूर सुदूर भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, मगर कोई भी कहां पर भी रहा हो मैं इतना निश्चित कह सकता हूं कोरोना से बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। शत प्रतिशत टीकाकरण जिन राज्यों में पहली सबसे पहले हुआ उसमें से हमारा उत्तराखंड, ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए गए, नए नए अस्पताल खोले गए, नए नए बेड बनाने की व्यवस्था हुई, तीसरी लहर आई नहीं, बद्री विशाल की कृपा है, मगर आती तो भी सारी तैयारियां हमारी भाजपा सरकार ने कर रखी थी।
इस प्रकार से काम करते हैं। और अभी आपदा आई, आपदा के अंदर जैसे ही भारत सरकार से सूचना मिली, मुख्यमंत्री जी अयोध्या थे, सारे कार्यक्रम बंद कर वापिस आए और एक भी यात्री की जान नहीं गई है मित्रों, एक भी यात्री की जान नहीं। दूसरे दिन ही रेस्क्यू ऑपरेशन आया, शुरू हो गया। मैं आया रात को बड़े सवेरे 9 बजे, रिव्यू बैठक चालू हुई। मैं तो आश्चर्यचकित हो गया, मेरे करने के लिए कुछ बाकी ही नहीं था। तो मैंने फिर सिर्फ बधाई देकर वापिस जाना ही उचित समझा। और मित्रों, हवाई निरीक्षण में मैं जहां जहां गया, मुख्यमंत्री, राज्य के चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी तीनों को वल्नरेबल पॉइंट्स मालूम, क्या प्रॉब्लम है, कहां भी सुधार करना। इस प्रकार की जागरूक सरकार जब हो तभी विकास हो सकता है। मित्रों, आज मैं यहां पर आया हूं तब ये भी कहना चाहता हूं कि गंगा जल के वितरण के लिए भी कोऑपरेटिव तरीके से एक नया काम शुरू हुआ है और इससे देश भर के माँ गंगा के प्रति श्रद्धालुओं को, श्रद्धा रखने वाले श्रद्धालुओं को घर बैठे गंगा जल भी मिलेगा और उनका मोक्ष का रास्ता भी खुलेगा। आज मैं यहां आया हूं, अपना केदार धाम क्षत विक्षत हो गया था। जब आपदा आई तब 5 तारीख को प्रधानमंत्री जी उसका वहां पर एक बहुत बड़ा भगवान आदि शंकराचार्य का मूर्ति वहां लगाने वाले हैं मित्रों, और उसके साथ देश भर के शिवालयों को उन्होंने जोड़ा है। बद्रीनाथ की योजना तैयार हो गई, काम चालू होगा। केदारनाथ का पुनर्निर्माण आज समाप्ति के आरे पर है और आपका 4 धाम संपर्क का जो सुधार था वो 890 किलोमीटर का 11,680 करोड़ के खर्चे से 4 लेन रोड और 4 मीटर रोड। तो वजीर दाखिला अमित शाह को आपने सुना देहरादून से बराह रास्त।